गाइस, एक गांव में राजू नाम का एक लड़का और उसका दोस्त नेवला रहता था, जो इन दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। गांव में एक बिसैला सांप भी रहता था, जो आते जाते लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से काट लेता। एक दिन राजू और नेवले सो रहे थे, साथ में उसके माता पिता बाहर सो रहे थे, तभी वहाँ पे सांप आ जाता और राजू को काटने की कोशिश करता। तभी वहाँ पे नेवला जग जाता और बहुत ही बेरहमी से सांप को मार देता, और तभी सांप का खून दरवाजे से बाहर निकलने लगता। और उसके माता पिता इस खून को देखकर यह सोचते हैं कि मेरे राजू को नेवले ने मार दिया। अभी राजू के माता पिता बिना सोचे समझे उस नेवले को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। अभी राजू की माँ रोते रोते अपने बेटे को बुलाती और राजू बोलता मम्मी क्या हुआ। अभी राजू की माँ राजू को उठाकर गोद में ले लेती है। राजू के पिता कमरे में प्रवेश करते हैं और लाइट को ऑन करते हैं, तभी वहाँ पे सामने देखते हैं वहाँ पे सांप मरा रहता है। तभी राजू के माता पिता समझ जाते हैं कि नेवले ही राजू की जान बचाई थी। राजू ये सब देखकर बहुत ही उदास हो जाता है। गाइस, हमें इस वीडियो से यह सीख मिलती है, बिना सोचे समझे हमें कोई भी काम नहीं करनी चाहिए।